हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड 8 सेशंस एंड वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट ज्योग्राफी। दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दिस इज योर सेशन 5। तो बच्चों, हम लोग ग्रेड 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये आपका 5th सेशन है। लेकिन एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते बच्चों कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। सो इफ यू रिमेम्बर, इन आवर लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया। उसमें आप लोगों ने देखा कि इंडिया में देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। द फर्स्ट वन वॉज एल्यूवियल सॉइल, सेकेंड वन वॉज रेड सॉइल, थर्ड वन वॉज लैटराइट सॉइल, फोर्थ वन वॉज ब्लैक सॉइल, फिफ्थ वन वॉज माउंटेन सॉइल एंड द सिक्स्थ वन वॉज डेजर्ट सॉइल। तो जैसे हमने पढ़ा था बच्चों की लैंड फॉर्म्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑफ सॉइल्स प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली आप इंडिया के केस में भी देख रहे हो कि अगर माउंटेन रीजन है तो वहाँ पे माउंटेन सॉइल होता है, डेजर्ट रीजन में डेजर्ट सॉइल होता है। अगर फर्टाइल रीजन की आप बात कर रहे हो, जो रिवर गंगा के पास की रीजन है, तो सबसे मोस्ट फर्टाइल रीजन है हमारे इंडिया का। ओके, हमारे पूरे अगर आप इंडिया के टोपोग्राफी की बात करोगे तो सबसे फर्टाइल रीजन हमारा वही है। तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। नीचे डेक्कन में आप आओगे तो ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से आपने काफी डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स देखा था ऑफ दीज सॉइल्स। उसके बाद हम लोगों ने सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में बात किया था। वी टॉक्ड अबाउट द रीजंस फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल डिग्रेडेशन एंड व्हाट वर द मेजर थ्रेट्स। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन ऑफ द सॉइल वर द मेजर थ्रेट्स एंड टू द सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल डिग्रेडेशन में आप लोगों ने देखा कि ओवर ग्रेजिंग या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक दैट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो इन सब रीजंस की वजह से हमारा सॉइल डिग्रेडेशन होता है, राइट। और सॉइल इरोजन के बारे में भी आपने पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि ये सारे फैक्टर्स जो हमारे सॉइल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाउ देयर इज अ नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। व्हाई? क्योंकि अगर हम लैंड और सॉइल इन दोनों को अगर प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे, अगर हम लोग इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे कि इनके जो जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज है द फर्टाइल पार्ट ऑफ दिस लैंड, इट शुड नॉट डिग्रेडेट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल और द लैंड, इट शुड बी क्वाइट गुड सो दैट वी कैन सस्टेन आवर लाइफ हियर, राइट। सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मेन मेथड्स हाउ टू कंजर्व सॉइल। ओके, तो इस यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको 5-6 लिस्ट दिख रही है, तो एक एक करके हम लोग सारा मेथड्स देखते हैं। ओके, कि कौन कौन से मेथड्स है दैट वुड बी हेल्पफुल इन सॉइल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों, ये मल्चिंग, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज मल्चिंग, द सेकेंड वन इज कॉन्टैक्ट बैरियर्स, थर्ड वन इज रॉक डैम, फोर्थ वन इज टेरेस फार्मिंग, फिफ्थ वन इज इंटरक्रॉपिंग, सिक्स्थ वन इज कॉन्टैक्ट प्लोइंग एंड द सेवेंथ वन इज शेल्टर बेल्ट्स। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम लोग को सॉइल कंजर्व करना है तो बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है हमारे फार्मिंग एक्टिविटीज में, राइट। तो अगर हम लोग अपने फार्मिंग मेथड्स चेंज कर लेंगे, अगर हम लोग ऐसे मेथड्स को यूटिलाइज करेंगे जो हमारे सॉइल को कंजर्व करे, जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करे और उसके इरोजन को चेक करे, राइट, सॉइल इरोजन को चेक करे, तो ऑब्वियसली ये सारे फार्मिंग मेथड्स हमारे लिए काफी सक्सेसफुल होगा। तो बेसिकली अगर आप बात करो फार्मिंग मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में, तो ये सारे टेक्निक्स है बच्चों जिसके थ्रू हम लोग अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे और मैं इनमें से कुछ की डिस्कशन भी आपके साथ करने वाली हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक में इनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यू शुड रीड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्चिंग, देन कॉन्टर बैरियर्स, देन रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, और आपको ये सारे नाम भी याद रखने चाहिए। इसमें से कुछ तो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ अगर आपको याद ना हो बट एक दो बार आप पढ़ोगे देन यू विल टेंड टू रिमेम्बर इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मल्चिंग। तो एक बार देखते हैं मल्चिंग क्या होता है और इससे क्या हमारे सॉइल को कैसे ये प्रिजर्व करता है, कैसे कंजर्व करता है। ओके, सो हियर इज द फोटो, ये मल्चिंग की फोटो है। ओके, लेट अस सी व्हाट इज मल्चिंग इज। सो द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो अब हम देखते हैं इस फोटो के थ्रू बच्चों, जैसे आपको ये ट्री दिख रहा है। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे ट्री के अराउंड टॉप लेयर ऑफ सॉइल में
पूरे प्लांट को कवर किया जाता है किस चीज से, मल्च से। अब ये मल्च ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, दिस इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक मैटर, इट कैन बी लाइक स्ट्रॉज, ट्विग्स या छोटे छोटे पेबल्स, स्टोन्स। तो ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। तो बेसिकली इसी को हम लोग मल्चिंग कहते हैं, जो टॉप लेयर को अराउंड द ट्री, ये ट्रंक ऑफ ट्री के अराउंड, देखो ये हमारे मल्च को, या फिर इसको मल्चिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो यूज होती है, दैट इज मल्च, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड मल्च एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मल्चिंग। तो यहाँ पे आप देखो ये चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके से स्प्रेड किया जाता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल पे। अब इसकी किस चीज में ये हेल्पफुल है, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो बच्चों अगर सॉइल में मॉइस्चर रहता है, अगर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, राइट। न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में काफी प्रेजेंट रहेंगे और उसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी काफी मेंटेन रहती है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कीप द मल्च अवे फ्रॉम द ट्रंक। तो ये जो ट्री का ट्रंक है बच्चों, इससे मल्च को अवे रखा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा दूर रखा जाता है। द ट्री ऑल्सो हैज टू हैव इट्स ब्रीदिंग स्पेस, राइट। ऑल्सो स्प्रेड मल्च टू अ डायमीटर ऑफ एटलीस्ट 3 feet। तो 3 feet के डायमीटर तक मल्च को स्प्रेड किया जाता है, और डेप्थ कितना होना चाहिए, 3 to 4 inches, और 3 to 4 inches तक इसकी डेप्थ होनी चाहिए इस मल्च की, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है ऑफ कंजर्विंग द सॉइल, दिस इज कॉल्ड मल्चिंग। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारे सॉइल कंजर्वेशन का। सेकेंड प्रोसेस हियर इज टेरेस फार्मिंग, दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट फार्मिंग मेथड्स थ्रू विच वी कैन कंजर्व आवर सॉइल। अब हम देखते हैं टेरेस फार्मिंग क्या है। सो दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that the flat surfaces are available to grow crops. They can reduce the surface runoff and soil erosion, right? अब हम देखते हैं ये कैसे होता है। आप देखो बच्चों, कोई भी आप माउंटेनियस रीजन में जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, वहां पे ये टेरेस फार्मिंग परफॉर्म की जाती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, आप देखो टेरेस की तरह, जैसे आप टेरेस देखते हो ना, तो ये टेरेस की तरह यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में आपको क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। यू कैन सी हियर द रीजन आई एम pointing to you, आप देखो different different ये form में आपको ये terrace farming होता है इस तरीके से, different different layers में ऊपर से नीचे steep slope के पे ये crops grow की जाती है। Now these are made on the steep slope so that the flat surfaces are available for the crops to grow, okay? तो जो flat surface होता है उसपे जितने भी crops होते हैं उसपे grow होते हैं, right? और ये farming जो है इसपे की जाती है। तो इस तरीके से हमारा टेरेस फार्मिंग होता है। एंड हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर अस, इट कैन रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ, मतलब जो हमारा सरफेस का टॉप लेयर जो इट टेंड्स टू मूव अवे, और सॉइल इरोजन दैट इज द यू नो द गोइंग अवे और द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जो आपने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो इन दोनों को ये रिड्यूस करता है, सॉइल इरोजन को भी और हमारे सरफेस रन ऑफ को भी। तो टॉप लेयर अगर हट जाता है तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी काफी कम जाती है। तो बेसिकली टेरेस फार्मिंग इसलिए यूजफुल है कि हमारा जो फ्लैट सरफेस है दैट वुड बी अवेलेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ओके। अब हमारा तीसरा टाइप जो है, जो फार्मिंग टेक्निक है फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, लेट अस सी दैट, इट इज इंटरक्रॉपिंग। अब हम लोग देखते हैं इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है। सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेटिव रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अब आप इस पिक्चर में देखो बच्चों, ये हमारा इंटरक्रॉपिंग होता है। देखो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांटा गया है पूरे सॉइल को, राइट। आप लेयर्स देखो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेटिव रोज, राइट। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेज दिख रहा है, मेज एक तरह का क्रॉप है। तो इस रीजन में लेट्स से यहाँ पे मेज ग्रो कर रहा है। अब इसके ऑल्टरनेटिव रो में देखो यहाँ पे दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहा है, दैट इज सोयाबीन। अब सोयाबीन के ऑल्टरनेटिव रो में देखो आप ओट्स ग्रो कर रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये लगातार एक ही एक ही ग्रुप में या एक ही रो में ये करते हैं, ये ऑल्टरनेटिव रो में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोन, एंड इट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। नाउ हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ आवर सॉइल, सो इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। रेन वॉश यानी अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है, टॉप लेयर हमारा उससे रिमूव हो जाता है। रेन वॉश में क्या होता है, जो अगर रेन होता है तो टॉप लेयर ऑफ योर सॉइल बहुत ज्यादा या तो स्टिकी हो जाता है, या फिर जो हमारा बिल्कुल फर्टाइल रीजन है वो सारा रिमूव हो जाता है, और दैट टेंड्स टू लिमिट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी काफी कम हो जाती है। तो इंटरक्रॉपिंग इस तरीके से हमें हेल्प करता है, इट प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉशिंग, और
डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट ऑल्टरनेट रोज में डिफरेंट टाइम पे ग्रो किए जाते हैं। इस पिक्चर से आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अब हम आगे देखते हैं कॉन्टर प्लोइंग। कॉन्टर प्लोइंग क्या होता है बच्चों? सो प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो कॉन्टर प्लोइंग ये होता है, आप इस पिक्चर में देखो कि बिल्कुल कॉन्टर के आपका जो हिल का स्लोप है, लेट्स से आप इस पिक्चर में समझो कि ये बिल्कुल स्लोप, अगर आपका ये पॉइंट क्या हुआ, जिस ये एरिया आपका जो बिल्कुल स्लोप स्लोपी एरिया है हिली रीजन का, ओके तो इसके पैरेलल में बिल्कुल कॉन्टर के फॉर्म में ये सारे जो हमारे जितने भी क्रॉप्स है वैसे ग्रो होते हैं, राइट। और व्हाट डज इट डू कि हमारे जितने भी कॉन्टर प्लोइंग जितने भी क्रॉप्स इस तरीके से ग्रो होते हैं जो हमारे स्लोप के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी जो भी हमारा वाटर जो भी फ्लो कर जाता है डाउन द स्लोप, नाउ ये नेचुरल बैरियर फॉर्म कर जाता है, ओके ये स्लोप के बिल्कुल पैरेलल में ग्रो किया जाता है, राइट। द प्लोइंग इज डन इन दैट वे और जो भी हमारा इट फॉर्म्स एज अ नेचुरल बैरियर टू द वाटर दैट फ्लोज डाउन द स्लोप। नाउ इट हेल्प्स इन दिस वे कि हमारे वाटर जो नीचे फ्लो कर जाते हैं डाउन द स्लोप इट फॉर्म्स एज अ बैरियर, क्योंकि अगर रनिंग वाटर फ्लो करता है तो दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर सॉइल इरोजन, राइट। तो दैट डज नॉट हेल्प इन सॉइल, मतलब इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन, क्योंकि अगर रनिंग वाटर पूरे स्लोप में अगर बिल्कुल उस तरफ से पास हो जाएगा, अगर लेट्स से स्लोप से पास होएगा, तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पास हो रहा है बच्चों, तो दैट विल लीड टू इरोजन ऑफ आवर सॉइल, राइट। तो काउंटर प्लोइंग उस तरीके से की जाती है, ओके अब शेल्टर बेड्स देखते हैं। शेल्टर बेड्स क्या होता है? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजंस रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप रोड पे बहुत जगह जहां पे आपको बहुत ग्रीनरी एरिया दिखता होगा, आप देखते होंगे कि बहुत रो में ट्रीज जो है वहां पे ग्रो किए जाते हैं, राइट। तो ये शेल्टर बेड होता है, इसको हम लोग शेल्टर बेड कहते हैं। इस तरीके से जो लाइन में बिल्कुल ट्रीज को ग्रो करते हैं वो शेल्टर बेड होता है। ये बेसिकली कोस्टल और ड्राई रीजन में होता है। एंड व्हाई इट इज प्लांटेड? टू चेक द विंड मूवमेंट एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। तो सॉइल कवर को भी प्रोटेक्ट करता है और जो भी विंड मूवमेंट है हमारा, ट्रीज इन विंड मूवमेंट को चेक करता है। अगेन द रॉक डैम्स, दिस इज वन अनदर टेक्निक। इसमें रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट्स द गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो इस तरीके का ये टेबल रॉक डैम है बच्चों। यहाँ पे आप देखो जैसे नॉर्मल डैम आपको दिखता होगा, तो वैसे ही आप समझो रॉक डैम्स ऐसे ही होते हैं कि बहुत सारे रॉक्स लगाई दिए जाते हैं, और अगर आप समझो कि बहुत फ्लो में अगर रनिंग वाटर आ रहा है और उस पर बहुत बड़े बड़े रॉक्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट विल टेंड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ द वाटर, और वाटर के स्लो होने से तो इरोजन प्रिवेंट करेगा, राइट। अगर बहुत तेज रनिंग वाटर आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, दैट लेड्स टू द रिमूविंग और कैरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्स, ये सारे जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे दे आर कैरिड अवे विद द रनिंग वाटर। तो ये रॉक डैम इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि बड़े बड़े रॉक्स पाइल्ड अप किए जाते हैं सो दैट टू चेक द और टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ओके इट प्रिवेंट्स गलीज और ऑल्सो फर्दर सॉइल लॉस। नाउ दीज वर सम ऑफ द मेथड्स फॉर द सॉइल कंजर्वेशन। इन शॉर्ट आपने देखा कि जितने तरीके से हमारे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से जितना सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट उसकी वजह से इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो द सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, एंड दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स इन योर एनसीईआरटी बुक। यू कैन गो थ्रू ऑल द टेक्निक्स, आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ देम हियर, और एक बार आप बुक से पढ़ोगे तो इट वुड बी क्लियर फॉर यू। तो बच्चों हमारा सॉइल और लैंड का टॉपिक यहाँ पे कम्प्लीट होता है। हम लोगों ने लैंड के बारे में पढ़ लिया था, वॉट इज लैंड एंड ऑल्सो वॉट आर द डिफरेंट यूजेज ऑफ लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी सॉ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन, राइट, एंड द कंजर्वेशन ऑफ लैंड। इसी तरीके से हम लोगों ने सॉइल के बारे में भी पढ़ लिया है। सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया वॉट इज सॉइल, वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, एंड ऑल्सो सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसमें भी आप लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये दोनों नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी टॉक्ड अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड द सॉइल कंजर्वेशन। तो ओवरऑल आपका ये पूरा लैंड और सॉइल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर कंजर्वेशन, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
Let's meet you in the next class. That's all, and thank you.